चंद्र के एनर्जी से कनेक्ट करने का डांस एक मेथड है, और ये हमारे एंसेस्टर्स को पता था, इसीलिए वो हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। Namaste, welcome to my channel, welcome to Thinking Asha channel where we talk and react things related to India. Thank you so much for passing by one more day, you know, mi casa es tu casa, guys. And today we have Navratri, science behind Navratri. So I know Navratri is almost going to start. I know it very well because I was actually planning to go this year to Navratri, planning at this point because COVID. But I know, I did my research a little bit about it the last year, but I always want to know more about this festivity because it looks just amazing. Anyway, let's watch this together and then we talk about this. Don't forget to follow me here on my social media. नवरात्रि में डांस क्यों करते हैं? नवरात्रि में फास्ट करने से क्या फर्क पड़ता है? हम जो भी करते हैं ऐवे ही करते हैं या उसके पीछे कोई रीजन? तो चलिए नवरात्रि की ब्यूटी को ढूंढते हैं, लेकिन एक अलग तरीके से। इन द नेक्स्ट 3 मिनट्स हम नवरात्रि के पीछे का लॉजिक ढूंढने वाले हैं और एक काफी बेसिक सवाल पूछने वाले हैं, why do we do what we do? ये समझने की कोशिश करने वाले हैं कि क्या हमारे traditions सिर्फ traditions हैं या उनका इस modern दुनिया में कोई importance? अगर आपको लगता है that what we are saying makes sense, तो इस वीडियो को शेयर करें। Number one, हम नवरात्रि में fasting क्यों करते हैं? देवी को खुश करने के लिए? Yes, लेकिन एक unexpected देवी को। Okay, just listen to this. This theory really blew my mind. School में हमने science में क्या सिखा ये याद रहे या ना रहे? एक चीज कोई नहीं भूलता। Mitochondria is the powerhouse of our cell. In simple words, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। But did you know that हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिर्फ हमारी मदर से आता है? Yes, यानी जो चीज हमें पावर देती है, लिटरली शक्ति देती है, वो डायरेक्टली हमारे माँ के वंश से हमें कनेक्ट करती है। कोई भी इसका एग्जैक्ट रीजन नहीं जानता कि क्यों और कैसे ये डीएनए सिर्फ मदर्स की ही साइड से आता है। देवी रिप्रेजेंट्स एन ओमनीप्रेजेंट कॉस्मिक एनर्जी। दुर्गा माँ को हम सबकी कॉस्मिक माँ कहते हैं। Who knows? Maybe the shakti that we are referring to in this festival, वो कहीं और नहीं, हमारे अंदर है। हर चीज की तरह mitochondria को detox की जरूरत होती है। Intermittent fasting के फायदे science ने already prove किए हुए हैं। जब हम उपवास यानी intermittent fasting करते हैं, तब हम हमारे mitochondria को एक तरह से rest देते हैं, जिससे age related diseases होने के chances कम हो जाते हैं। Maybe हम अपने अंदर की इस feminine heritage को healthy रखने के लिए उपवास करते हैं। और ये चीज intermittent fasting जो पूरी दुनिया discover कर रही है, वो हम centuries से करते आ रहे हैं। ये कितना poetic है और कितना beautiful। Number two, Navratri is about our planet. Yes, I'll explain. आपको तो पता ही होगा, Earth सीधी नहीं, थोड़ी टेढ़ी है। Earth का axis 23 degrees tilted. Look at this illustration. इस 23 डिग्री टिल्ट की वजह से अर्थ तक आने वाले सनरे साल के कुछ टाइम के लिए थोड़े सीधे होते हैं और कुछ टाइम के लिए थोड़े टेढ़े। इस टिल्ट की वजह से हमें अलग अलग सीजन्स मिलते हैं। हमारे कल्चर के काफी सारे फेस्टिवल्स हमारे सीजनल चेंजेस को सेलिब्रेट करते हैं। जस्ट लाइक इन ऑटम अ ट्री लूजेस इट्स लीव्स सो दैट नए लीव्स आ सके, वैसे ही हमारे बॉडी में भी चेंजेस होते हैं। हमारे यहाँ वीकेंड का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था, तो ये फेस्टिवल्स एक ऐसे टाइम हुआ करते थे जहाँ पे लोग अपने काम से ब्रेक लेकर अपने लाइफस्टाइल को एडजस्ट कर सकते थे। सितंबर अक्टूबर के बाद दिन छोटे और रात लंबी होने लगती है, और अकॉर्डिंगली हमें हमारे स्लीप साइकिल में भी चेंजेस करने पड़ते हैं। नवरात्रि के 9 दिन इन चेंजेस का एक रिमाइंडर है, एंड दैट्स व्हाई नवरात्रि इज सो इंटरेस्टिंग। नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम नवरात्रि में डांस क्यों करते हैं? अलग अलग कल्चर्स नवरात्रि को अलग अलग तरीकों से सेलिब्रेट करते हैं। कुछ जगहों पर शास्त्रीय संगीत और कुछ जगहों पर गरबा डांस और सेलिब्रेशन ताकि आपके नेगेटिव एनर्जीज कम। थिंक अबाउट इट, डांस एक ऐसे एक्टिविटी है जो करते वक्त कोई भी नेगेटिव या दुखी नहीं होता। इसका रीजन है एंडोर्फिन्स। ये हमारी बॉडी का एक फील गुड केमिकल होता है। ये हमारे पेन टॉलरेट करने की कैपेसिटी को बढ़ा देता है और एक हैप्पीनेस बूस्टर जैसे काम करता है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि डांसिंग किसी भी एक्सरसाइज से ज्यादा एंडोर्फिन्स रिलीज करता है। अपने अंदर के एनर्जी से कनेक्ट करने का डांस एक मेथड है, और ये हमारे एंसेस्टर्स को पता था, इसीलिए वो हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। आप जब लोगों से मिले तो खुद भी पॉजिटिव फील करें और लोगों को भी पॉजिटिव फील कराएं, दैट इज द कोर थॉट एंड इट इज ब्यूटीफुल। ड्यूरिंग नवरात्रि वी आर वर्शिपिंग अ गॉडेस एंड वी आर आल्सो एक्नॉलेजिंग चेंज। हम हमारे बॉडी के अंदर की शक्ति को, टेक्निकली स्पीकिंग माइटोकॉन्ड्रिया को, हमारे डाइट को कंट्रोल करके हेल्दी रखते हैं और हमारे आसपास होने वाली सारी नेगेटिव चीजों से डिटॉक्स लेते हैं। ये कितना सिंपल है, और सिंपल चीजें नेचुरली ब्यूटीफुल होती हैं। सच में जब हम चीजों को सिंपलीफाई करते हैं तो ऐसा लगता है कि साइंस और कल्चर दोनों एक साथ एक ही पंडल में रह सकते हैं। बचपन से हमें सिखाया गया है डोंट आस्क व्हाई,
क्योंकि बड़ों के पास बच्चों के कुछ सवालों के जवाब नहीं होते। इस एटीट्यूड की वजह से सवाल कम नहीं होते, कंफ्यूजन बढ़ता है, और इसी एटीट्यूड की वजह से हम हमारे पुराने नॉलेज से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, ट्रेडिशंस को उनका एसेंस समझे बगैर ही फॉलो कर रहे हैं। हमें इस एटीट्यूड को बदलने की जरूरत है। जब हम रेलेवेंट सवाल पूछते हैं, तब हमारे फेस्टिवल्स कैसे होने चाहिए, मूर्ति कितनी बड़ी होनी चाहिए, पटाखे जलाने चाहिए या नहीं, ऐसे क्वेश्चंस इररिलेवेंट हो जाते हैं। आपको क्या लगता है, ऐसी कौन सी चीजें हमारे कल्चर में जो आपको कंफ्यूज करती हैं? टेल अस इन द कमेंट्स बिलो। And if you like what things from my culture, Navratri is dedicated to the goddess of learning. Things from my culture that Navratri purani cheezon ko ek naye tarike se seekhte hain, har tarike ki negativity ko minimize karte hain aur apne andar ki energy ko maximize karte hain, logically soch kar magic ko zinda rakhte hain, kyunki aise open mind rakhne se mujhe farak padta hai. Things from my culture that made me get confused, let me think. Could be many, but right now I'm not even thinking about them. Well, the baby Jesus that brings the presents for everyone in Christmas. For when it's Christmas, the 25th, here is the belief that baby Jesus is carrying all the presents to bring to the people. So that's one of the beliefs. I would say, why a baby Jesus is carrying all the presents? Well, Dia de Muertos, but it's not really. Like Quaresma, we have something that is called Lent. That for 40 days, every Friday we don't eat meat. Red meats, you can eat white meats, but not red meats. But I used as well to some represent something of Jesus not eating meat in the desert for 40 days or something like that. But no, actually, I will be thinking about that one. But that was really interesting to know more about Navratri, because it's a festival that one day I will be able to enjoy. That's my promise to myself, one day. Anyway, guys, thank you so much for watching. Hopefully, you enjoyed this video as much as I did. See you tomorrow with another video. Have an amazing day.